नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल यादव में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक से आप पर्सनल लोन कैसे लेंगे। 50,000 रुपये तक आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, तो किस तरह से इसको पर्सनल लोन लेंगे इस वीडियो में हम दिखाएंगे किस तरह से आप ऑनलाइन, अगर कोटक महिंद्रा बैंक आप यूजर हैं कस्टमर हैं तो किस तरह से आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। आपको बिल्कुल ही आसानी से लोन मिल जाएगा, इसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही आसानी से आपको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और कुछ ही समय में आपको लोन मिल जाएगा 50,000 रुपये तक। तो कैसे इसको अप्लाई करना है और किस तरह से इसको आप अकाउंट में ले सकते हैं, कितना इसमें इंटरेस्ट लगने वाला, क्या क्या इसका प्रोसेस है, इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से कोटक महिंद्रा बैंक एप्लीकेशन यहाँ से ओपन करें। देख सकते हैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पर नीचे दिखा रहा है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ से नीचे आएंगे, इसको स्लाइड करेंगे और यहाँ से आएंगे लोन वाले सेक्शन पे। सबसे नीचे यहाँ पे लोन शो कर रहा है, इस पर लोन वाले सेक्शन पे यहाँ क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सबसे यहाँ ऊपर आ रहा है पर्सनल लोन, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ शो कर रहा है पर्सनल लोन, इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं शो कर रहा है यहाँ पे फिलअप करने के लिए। आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर नहीं करना है, नो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 50,000 रुपये तक का लोन इसमें आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 12 महीने के लिए यहाँ पे लोन शो कर रहा है, यहाँ पे कितना आपको लोन ले रहा है ये अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है मिनिमम आपको 30,000 रुपये तक मिलेगा और मैक्सिमम 50,000 रुपये तक मिल सकता है। यहाँ से 6 महीने और 12 महीने दोनों मिल सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे EMI दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे EMI शो कर रहा है। स्टार्ट डेट यहाँ से 2 जनवरी से आपको EMI देना पड़ेगा अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो। यहाँ से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 23% आपको इंटरेस्ट लगेगा। ऊपर से यहाँ से नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी यहाँ पे लग रहा है, 1770 रुपये आपको प्रोसेसिंग फी यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से 1770 रुपये प्रोसेसिंग फी आपको 23% इंटरेस्ट रेट लगेगा। इसके बाद से आपको EMI इतना आएगा, देखते हैं यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो 99 रुपया इंश्योरेंस के लिए देना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते हैं तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आगे का प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूँ, तो ऊपर मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको 50,000 रुपये का लोन नहीं चाहिए, अगर कम का चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसको स्लाइड करेंगे तो इस तरह से कम हो जाएगा। यहाँ से 30,000 रुपये तक ले सकते हैं, 40,000 ले सकते हैं, जितना आपको जरूरत है उतना ही ले सकते हैं। जितना अगर यहाँ पे अमाउंट कम लेंगे उतना ही आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अमाउंट कम हो गया तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी भी कम हो गया। तो इस तरह से अगर आप प्रोसेसिंग फी ज़्यादा लग रहा है तो अमाउंट को जितना जरूरत है उतना ही अमाउंट लें। देख सकते हैं इस तरह से मैंने 30,000 रुपये का अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 30,000 रुपये शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ से कितने दिन के लिए चाहिए आपको EMI, यहाँ से देख सकते हैं। अगर 6 महीने के लिए चाहिए तो यहाँ 6 महीने पे क्लिक कर लेंगे, आपको यहाँ से 6 महीने का शो कर रहा है। इंटरेस्ट रेट आपको पूरा ही रह रहा है, इंटरेस्ट रेट आपको कम नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है। यहाँ से देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट कितना ले रहा है, 23% इंटरेस्ट रेट ले रहा है। तो आपको अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी ये लोन ले, इमरजेंसी नहीं है तो फालतू का ऐसे लोन ना लें। तो ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप लोन ले सकते हैं, अगर कहीं भी आपको अमाउंट नहीं मिल रहा है कहीं से भी तो आप इस तरह से आसानी से अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं अप्लाई करने का इसका प्रोसेस दिखा रहा हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कितना अमाउंट आपको चाहिए, उसके बाद से कितने दिन के लिए चाहिए आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे यहाँ से पूछ रहा है प्रोसेस विथ कवर, आपको इंश्योरेंस के साथ चाहिए या विदाउट इंश्योरेंस चाहिए। तो विदाउट इंश्योरेंस अगर चाहिए तो विदाउट इंश्योरेंस पर क्लिक कर लेंगे। अगर इंश्योरेंस के साथ करेंगे तो यहाँ से देखते हैं इंश्योरेंस चार्ज यहाँ पे जो लग रहा है इंश्योरेंस चार्ज आपको नहीं लगेगा, तो इंश्योरेंस छोड़ देते हैं। विदाउट इंश्योरेंस यहाँ पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट योर पर्पज़ फॉर लोन, यहाँ किस लिए आप लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल लेंगे या जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे आकर देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन दिया है, इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से कुछ आपको प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है। यहाँ से 30,000 आपका लोन अमाउंट है, यहाँ से EMI दिखा रहा है। उसके बाद अगर आपका यहाँ से रेट दिखा रहा है कितना रेट आपको लगने वाला है, 23% आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। उसके बाद से आपको 12 मंथ के ले रहे हैं तो 12 मंथ का लग रहा है। नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी यहाँ पे दिखा रहा है कितना प्रोसेसिंग फी लग रहा है। ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी टू बी डिडक्टेड, यहाँ पे 200 रुपये और आपको स्टाम्प के लिए लगेगा 12 मंथ के लिए यहाँ पे है पूरा। इसके बाद यहाँ से कब आपको फर्स्ट EMI कब देना है यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद से नीचे आ रहे हैं, यहाँ से ओवर ड्यू इंटरेस्ट आपको 3% ओवर ड्यू इंटरेस्ट लग रहा है। आपको कट पिट के पूरा अमाउंट आपको यहाँ से मिलेगा,
अकाउंट में देख सकते हैं 28,738 रुपये आपको अकाउंट में आएगा। इसके बाद से आपको पेमेंट करना पड़ेगा उतना। इसके बाद यहाँ से आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे अगर पूरा पेमेंट चाहिए तो। इसके बाद से यहाँ टर्म्स आएगा, इसको एग्री कर, इसको देख लेंगे पूरा टर्म्स को। इसके बाद से आई एग्री एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से दो यहाँ पर दे रहा है, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे। इसके बाद से दे रहा है, नीचे पूछ रहा है आई कन्फर्म माई अल्टरनेटिव एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। आपके पास कोई और मोबाइल नंबर और एड्रेस है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पर छोड़ देंगे इसको। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर लेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर ज़रूरी भरना है। इसके बाद से यहाँ सबमिट करेंगे। इसके बाद से आपके नंबर पर सबमिट करते हैं, आपके नंबर पर रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है अकाउंट से रजिस्टर है, उस पर आप एक OTP आएगा, OTP को यहाँ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर ऊपर ही शो करा है कंग्रेचुलेसन योर टॉपअप ऑन पर्सनल लोन एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली विल बी डिस्प्यूट इंस्टेंटली। आपके अकाउंट में कुछ ही समय के बाद आपको पेमेंट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे शो करने लगा इस तरह से। यहाँ से नीचे आएंगे, होम पे क्लिक कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पेमेंट मेरे अकाउंट में आया नहीं आया। यहाँ से माई कोटक वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, उसके बाद से यहाँ से व्यू बैलेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ बैलेंस शो कर रहा है, चलिए से ट्रांजेक्शन में दिखा देता हूँ। ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद से यहाँ ट्रांजेक्शन देख लेंगे। ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है मोबाइल बैंकिंग, यहाँ पे शो करने लगा ट्रांजेक्शन। यहाँ से 28,738 रुपया अकाउंट में आ गया। ये जो अमाउंट आया, जो लोन अप्लाई किए थे, ये अमाउंट तुरंत आ गया। तो मैंने देखा अभी तुरंत अप्लाई किया और तुरंत 2 मिनट के अंदर में ही अमाउंट आ गया मेरे अकाउंट में। चलिए मैं मैसेज भी आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से मैसेज भी शो करने लगा, यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है इस तरह से अप्लाई हो गया। तो यहाँ से आपको CRN नंबर दिखा रहा है और कोटक बैंक का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में बैलेंस आ गया। लाइव प्रूफ यहाँ पे आप देख लिए किस तरह से अमाउंट आया और कितना अमाउंट आया अकाउंट में। तो दोस्तों इस तरह से आसानी से आप कोटक महिंद्रा बैंक से लोन ले सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा किस तरह से मैंने 50,000 रुपये का लोन लिया, इसका किस तरह से इसको पेमेंट करना है, कितने महीने का EMI होगा, इसमें वीडियो में बताया मैं। तो अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होता है आसानी से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।